हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सड़क पर रोज सफर करते हो और देखते भी होंगे कि जो बीच में डिवाइडर होता है उसका कलर येलो और ब्लैक होता है। आपको यह कलर अलग भी मिल सकता है, जैसे कि वाइट और ब्लैक, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में जो ऑन रोड डिवाइडर बने हुए होते हैं उन पर ब्लैक और येलो कलर ज़्यादा इस्तेमाल करा हुआ होता है, क्योंकि येलो और ब्लैक कलर कोहरे और अंधेरे में अधिक दिखता है। अगर इन कलर का उपयोग न किया जाए तो दृश्य कम हो जाता है और चकाचौंध बढ़ जाती है, जिस कारण दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और हाँ, जो ब्लैक कलर होता है वो दूसरे कलर को एब्जॉर्ब करता है और डिवाइडर को दिखाने का कार्य करता है। और अगर मैं आपको बता दूं, जो येलो कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि वो दूर से ही दिख जाता है, लेकिन जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ येलो कलर से ज़्यादा होती है। तभी तो हम डेंजर सिग्नल के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दूर से ही दिख जाता है। डिवाइडर का मेन वर्क जो होता है वो रोड को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का होता है, जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है।